तो आज का प्लान शॉर्ट जाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हाँ, आज मंदिर में आ गया था तो कल वाला वीडियो काफ़ी लेट आया था, जिस पर कॉपीराइट क्लेम था तो उसकी वजह से म्यूट किया, तो सारा आवाज अनम्यूट हो गया, तो बिना आवाज वाला वीडियो है। तो आज मैं फिर रामनगर मंदिर पुसार रोड गया, तो वहाँ का उसमें विजिट वाला वीडियो है तो आप लोग देखिए। तो ये आपको पिछले वाले वीडियोज़ में उतना अच्छे से नहीं दिखा पाया, तो इस समय तो चलिए चलते हूँ मंदिर की ओर, यानी पुसार रोड। तो बाइक से जाना पड़ेगा। वेदर काफ़ी अच्छा है, वातावरण, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाता है, मैक्सिमम 44 डिग्री से तापमान तक चला जाता है, तो एवरेज न्यूनतम और मैक्सिमम ला करके 35 के आसपास रहता है। तो मोटोब्लॉग्स को ऊपर नहीं करता, पेड़ों के सौ के कारण कुछ टेम्परेचर में लोग आ जाती है, तथा एक विद्यालय है जहाँ पर बच्चों के लिए जो पेंटिंग्स किया गया है तो वेरी खूबसूरत दिखाई देता है। हाँ, जिस दिन पेंट हो रहा था उस दिन भी मैं क्रॉस किया था, तो उस समय नहीं रुका, तो वेरी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। हाँ, तथा आगे अब बने रहे, और हमारे घर से सबसे नज़दीकी स्टेशन जो कि खुदराम बोस पुसा रोड है, तो उसके मार्केट का स्ट्रीट व्यू आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ मार्केट में, और यह करिया चौक से पूसा रोड खुदराम बस पूसा जो स्टेशन आती है वह रोड सड़क है, और सुबह जाने पर आपको पता चलेगी। हाँ, देखा यहाँ पर मार्केट लगता है, सही मंडी भी यही है, तो जितने भी हम लोग का जो भी सब्जी होता है तो वहीं जा कर के होता है या खरीदने में आसान होते हैं। और इसके बाद निकटतम मंडी जो कि मोतीपुर है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कि समस्तीपुर में मीठापुर में लगती है मंडी, तो अब यहाँ जब कुछ क्रॉस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे होगा तो स्टेशन की ओर दिखूँगा, तो उधर का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर खुदराम बोस जी का स्टैचू भी बना हुआ है जो कि यह सामने दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी बने हुए हैं। और इसके बाद उधर जाऊँगा मंदिर की तरफ, तो श्री राम जानकी मंदिर जो कि पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत कम दिखाया था, तो आज के इस वीडियोज में आपको पूरा मंदिर का टूर देखने को मिल जाएगा, जो कि तकरीबन एक मिनट के अंदर में ही आप लोगों को दिखा दूंगा। अब यहाँ पर टाइम लैप्स चालू है जो कि यह स्टेशन से बगल से निकलती है, और यहाँ जाम लगने की संभावना 9 के बराबर रहती है। हाँ, कभी कभी गुमटिया बंद रहती है आधे घंटे के लिए, तो फिर बंद हो जाती है। और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर अब जब मंदिर जा रहा प्रवेश द्वार, तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। तो इसलिए मंदिर में थोड़ा दर्शन करके आता हूँ, पूरा खाली है। और इस मंदिर परिसर का जो ये बागवान के बराबर है उसे अच्छी तरीके से सजाया गया बनाया गया है, और यहाँ पर भोले बाबा जी का मंदिर, और बगल में राम लक्ष्मण और सीता भगवान जी का मूर्ति है, और तीन साइड से ग्लास को लगा दिया गया है जिससे इन्फिनिट पिक्चर दिखाई पड़ता है। तो यह राम मंदिर परिसर का बगल का व्यू, और यहाँ पर है भगवान जी। तो इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं, तो इसके बाद लगभग एक दो फोटो खींचा, और इसके बाद मैं निकल रहा हूँ। तथा यह मंदिर का फोटो ब्लॉग्स कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। और यहाँ पर यह गार्डन में यह फुलवारी है सामने, और यहाँ पर पानी मोटर के द्वारा बाहर निकलता है जो कि लगभग 9 काम में आ रहा है, तरह तरह के फूल हैं। तो चलिए अब चलता हूँ घर की ओर, फिर मिलते हैं अगले दिन। 5 मिनट्स कॉपीराइट क्लेम्स के रहा भगवान जी का रैक, दैट्स सो फन।